क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हमें उसको यूज करके उससे रिजल्ट लेना होता है, राइट। सो आज का जो सब्जेक्ट है, डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि आज जो आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूं वो आपको पूरी दुनिया में कोई भी नहीं देने वाला। इसको इतना डीप में आज मैं आपको समझाने वाला हूं और इतना प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि कोई भी नहीं समझा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि जागृत मन है और अर्ध जागृत मन। हम इस बात को पहले से ही समझ चुके हैं कि जो हमारा अर्ध जागृत मन है वो 90% पावर रखता है, जागृत मन 10% पावर रखता है। ये बात आपको मैंने कई बार बताई है, आपने शायद पहले से सुनी है। आज मैं आपको बताता हूं, ये 10 और 90 का जो परसेंटेज है ये बिल्कुल गलत है। क्या हुआ, शौक लगा? 10 और 90 का परसेंटेज इसलिए बताया जाता है ताकि वो आप डाइजेस्ट कर पाए। असल में जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक समय पे जो हमारा जागृत मन होता है वो कितने काम कर पाता हो। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक समय में जो जागृत मन है वो कितने काम करता होगा। जो भी नंबर आपके ध्यान में आता है, जो भी आपको लगता है कि ये नंबर होगा, चैट बॉक्स में आप लिखिए, एक समय में जागृत मन कितने काम करता होगा। कोई कह रहे हैं 5, कोई कह रहे हैं 2, कोई कह रहे हैं अनेक, कुछ कह रहे हैं 4, कोई कह रहे हैं 1, 2 से 5, 5, 1, 6। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक समय में जो जागृत मन है वो 8 काम कर पाता है। कितने काम कर पाता है? 8, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 काम कर पाता है। अब जो हमारा अर्ध जागृत मन है वो एक समय में, यानी कि इसी क्षण में कितने काम करता होगा, एक समय में कितने काम करता होगा अर्ध जागृत मन, बताइए क्या नंबर है जो आपको लगता है अर्ध जागृत मन एक समय में कितने काम करता होगा। कोई कह रहे हैं 1, कोई कह रहे हैं 16। 1K, 1000, 4, 20, 1, 1, देखिए किस तरह के नंबर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एक समय में अर्ध जागृत मन 1000 से भी ज्यादा काम करता है। अप्रोक्सीमेटली 1000 ही होता है, 1000 से थोड़े ज्यादा, मतलब आप 1000 की गिनती मान लीजिए। अब बताइए, एक समय में अगर जागृत मन 8 काम कर रहा है और अर्ध जागृत मन 1000 काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज का बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है। 90 और 10 का परसेंटेज सिर्फ इसलिए बताया जाता है ताकि आप उसे डाइजेस्ट कर पाए, वरना परसेंटेज बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी जो आप बैठे हुए हैं या फिर खड़े हैं, आप गिर नहीं रहे हैं ना, उसके पीछे आपका अर्ध जागृत मन काम कर रहा है। यानी कि बैलेंस बनाना, जब आप चलते हैं क्या आप सोचकर बैलेंस बनाते हैं? नहीं, ये अपने आप होता है। क्यों? क्योंकि अर्ध जागृत मन लगातार काम कर रहा है। अर्ध जागृत मन इस तरह के तमाम काम करता है और बहुत सारे काम करता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हमारे ध्यान में भी नहीं आता, इतने छोटे छोटे काम करके बहुत सारे काम करता है। मैं आपको बताता हूं कि अब अगर हमें इसका फायदा उठाना है, जब कहते हैं कि जो सोचोगे वो पाओगे, अगर उसको प्रैक्टिकली पूरा करना है तो वो कैसे हो सकता है, राइट। हम इस बात को बखूबी तरह से जानते हैं कि जो अर्ध जागृत मन है वो कमांड को एक्सेप्ट करता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी कि अगर आप उसे कोई ऑर्डर दें तो वो ऑर्डर को पूरा कर लेगा। हमने यहां तक कि उसे ये भी कहा है कि वो हमारा जीनी है और हम अलादीन। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी कि जीनी को अगर आप कहें कि ये मेरी इच्छा है, इसे पूरा कर दो, तो जीनी पूरी कर देता है। और अर्ध जागृत मन ठीक उसी तरह से किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। पर कैसे? क्या आप इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूं। आज हम बड़े डीप में जा रहे हैं। अब जो मैं आपको कहने वाला हूं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और जितना हो सके उसके नोट्स बना लीजिए। देखिए, अगर हम अपने बचपन को याद करें, जब हमने पहली बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की थी तो अब हम गिरे थे, क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं था। हमने जब पहली बार चलने की कोशिश की थी तब हम गिरे थे, क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं था। पर आज ना हम गिरते हैं ना हमें चलने में कोई दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम, धीरे 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 करके
ये एकदम नेचुरल प्रोसेस में आ चुका है, यानी कि मेरी जो शरीर की मसल्स है, जो मांसपेशियां है, उसके अंदर में इसकी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है कि वो कैसे अपने आप करना होता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अगर ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज को मैं करके ऐसा कर सकता हूं कि ये मेरी बॉडी अपने आप करने लग जाए, अपने आप ही वो पूरा होने लग जाए, तो अब जो भी सफलता मैं पूरी करना चाहता हूं उसकी कोडिंग मुझे अपने शरीर में देनी पड़ेगी। उसकी कोडिंग मेरे शरीर में जब पूरी हो जाएगी तो वो काम अपने आप मेरी बॉडी करने लग जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा किसी बारे में सोचे तो वो पूरा हो, राइट? पर अगर आप बिस्तर पर लेट जाएं और आप ये लक्ष्य बना लें कि 1 साल तक मैं सिर्फ लगातार ये सोचता रहूंगा कि मैं तो करोड़पति बन रहा हूं, करोड़पति बन रहा हूं, करोड़पति बन रहा हूं, 1 साल के बाद बनेंगे क्या? हाँ है ना? जवाब लिखकर बताइए चैट बॉक्स। बिस्तर पर लेटे लेटे करोड़पति बन जाएंगे क्या? यस और नो? क्या लगता है? नहीं, मतलब कि जो सोचोगे वो पाओगे, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जो सोचोगे वो पाओगे में एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। क्या है वो स्टेप? वो स्टेप है कि जो भी मैं सोच रहा हूं वो बार बार सोचना है, बट मुझे एक मैचिंग एक्शन लेना पड़ेगा, राइट? इसे मैं अगर आसान भाषा में समझाना चाहूं तो आसान भाषा ये होगी कि उस नौकर को ये लगना चाहिए कि इसको पूरा करने के लिए मैं वाकई में बहुत उत्सुक हूं और मैं पूरा करवाना चाहता हूं, तभी तो मैं उसके ऊपर खुद से भी काम कर रहा हूं। ये हुआ आसान तरीका। अब लॉजिकल तरीका ये हो गया कि मैं ये कर करके अपनी मसल में, अपनी मांसपेशियों में वो कोडिंग कंप्लीट कर रहा हूं कि अब मुझे सोचे बिना वो मैं काम कर पाऊं। कुछ काम करने के लिए सोचना ना पड़े। गाड़ी चलाने के पहले सोचना पड़ता है क्या कि कब ब्रेक लगाना है, कब गियर लगाना है? अपने आप लग जा। कोई टू व्हीलर चला रहा है तो पहले बार में तो बैलेंस ही नहीं बना, दोनों पैरों को नीचे रख रखा था, और अब देखो कैसे अपने आप चल जाती है, राइट? क्यों? मसल मेमोरी में आ चुका है। अब अगर करोड़पति बनना आपके मसल मेमोरी में आ जाए तो आपको करोड़पति बनने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी अपने आप करने लग जाएगी। यानी कि अब हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए? चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप मुझे बताइए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में। क्या लगता है आप, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होना चाहिए, पहला कदम क्या लूंगा? पहला कदम क्या लूंगा? थिंक व्हाट आई वांट, सोचिए, थिंक, सोचना नहीं। पहला कदम है बिलीव करना। सबसे पहला कदम है कि मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप सोचेंगे और सोचने में ही वो अंदर में खुद ही को सवाल करते रहेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। तो आप एक तरह सोच रहे करोड़पति बनना तो है, पर अंदर में से ख्याल आ रहा है मैं नहीं बन सकता, तो आप नहीं बन सकते। पहला कदम है विश्वास जगाइए। सबसे पहले अपनी शक्तियों पर विश्वास तो होना चाहिए, जब आप विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए बताइए कौन सी ट्रेनिंग देखना जरूरी है? अभिषेक सर की बिलीफ सिस्टम के ऊपर, बिलीव के ऊपर अभिषेक सर की जो ट्रेनिंग होती है वो जरूर देखिए, बार बार देखिए, उसे समझिए, अंदर में बिठाइए कि क्या है, अपने ऊपर विश्वास जगा लीजिए। विश्व कदम क्या होगा? दूसरा कदम है अपना लक्ष्य तय करना, अपना गोल सेट करना। अब हम अपना गोल सेट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं, देखिए हम सोचते हैं बहुत बड़ा काम करना है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो बहुत सारे लोगों को उनका आर्थिक आजादी दिलाऊंगा, मैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बहुत क्या है, ये बहुत का क्या मतलब होता है? नंबर तो बताइए, मुझे तो बहुत पैसे कमाने, कितने कमाने? हम उसके ऊपर नहीं आ पाते। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जैसा कुछ नहीं होता। आप स्टेशन की खिड़की पे जाके खड़े होइए, रेलवे स्टेशन की, बोलिए कि कोई सी भी ट्रेन का टिकट दे दो जो बहुत दूर तक जाती हो, भगा देगा वहां से। पहले बताओ जाना कहाँ है, स्पेसिफिक होना पड़ेगा। हम इसीलिए तो कहीं पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि अंदर में लालच भरा पड़ा है कि अनलिमिटेड हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए नंबर आप तय नहीं कर पाते, या फिर आप जो नंबर तय करते हो उस पे आपका खुद का ही विश्वास नहीं हो पाता। पहले 2 स्टेप ही नहीं हो रहे तो आगे का कैसे हो? पहला स्टेप क्या है? विश्वास। दूसरा स्टेप है गोल सेट कर। ये दोनों होंगे तभी तो आगे का हो पाएगा।
तीसरी सीढ़ी पर सीधे छलांग लगाऊं तो गिर नहीं जाऊंगा, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। पहले ही गिर गया फिर तो और नीचे जाके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो सीधे छलांग नहीं लगा सकते हो, एक एक कदम को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें से पहला कदम क्या है, विश्वास। दूसरा कदम क्या है, लक्ष्य तय करना, एकदम स्पेसिफिक हो जाइए। तीसरा कदम वो है सोचना, यानी कि अब उस लक्ष्य के प्रति आपको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। बार बार आपके ख्यालों में सिर्फ वो लक्ष्य ही गुजरना चाहिए, वो लक्ष्य के अलावा आपके अंदर में कोई बात आनी ही नहीं चाहिए कि मुझे तो यही पूरा करना है, ये हो रहा है हो रहा है हो रहा है, पर क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं। चौथा स्टेप, प्लानिंग, कैसे होगा, राइट? अब प्लान बनाइए, अब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स पे जाइए कि अब मुझे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल हो गया, फिर सोचने का क्या फायदा हुआ? सोचने का फायदा ये हुआ कि आपकी मसल मेमोरी में वो आ रहा है और वो अपने आप होने लग जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने शायद ये नोटिस नहीं की होगी, राइट? आपके फोन है, सबके पास में फोन होगा, ज्यादातर साथी फोन से ही जुड़े हुए हैं। हमारी बार बार फोन उठा के खोलने की आदत नहीं थी, बार बार फोन उठा के खोलने की आदत नहीं थी कि हर थोड़ी देर में फोन उठा के खोलने लग जाए। अब बिना सोचे, बिना किसी कारण के हम फोन उठा के खोलते हैं, देखते हैं कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, क्यों खोला ये, वापस बंद करके रख देते हैं। क्या हो रहा है? आपकी मसल मेमोरी में आ चुका है, ये आदत आपको लगाई गई है, आपने नहीं लगाई, आपको लगाई गई है। खैर वो अलग बात है, पर अगर हमें कोई आदत लगानी हो तो क्या करना पड़ेगा? बार बार सोच के उसके ऊपर मैचिंग एक्शन लेना पड़ेगा। तो प्लान कीजिए, देखिए कितने कदम बताए मैंने, कोई बताना चाहेगा अभी तक? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कितने कदम बताए और क्या क्या बताए। चार कदम बताए, क्या क्या बताए? पहला कदम, पहला कदम क्या है? विश्वास। दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम गोल सेट करना, वेरी गुड। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम सोचना, यानी कि विजुअलाइज करना, विजुअलाइज कीजिए वो हो रहा है, अफर्मेशंस दीजिए। चौथा कदम क्या है? चौथा कदम है प्लानिंग, प्लान कीजिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना चाहिए। और पांचवा कदम सबसे महत्वपूर्ण, उस पे एक्शन लीजिए। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। कितनी बार? कई बार, जब तक वो मसल मेमोरी में ना आ जाए। उसके बाद में आप फिर भी वो काम कर रहे होंगे, पर वो बिना सोचे समझे वो काम आप अपने आप बखूबी तरह से कर रहे हो। अब आपको सोच के नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं आदत लगा दूं कि मुझे हर दिन अपनी पूरी टीम को फॉलो अप करना ही है, और 21 दिन या 50 दिन या 90 दिन तक मैं लगातार करते जाऊं और वो मसल मेमोरी में आ जाए, वो टाइम बचते ही आपका फोन पे हाथ अपने आप जाएगा, नंबर अपने आप डायल होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि भूख लगती है, नहीं, खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाना खाने का समय हो चुका होता है। ठीक कह रहा हूं? जो समय पे हम रोज खाना खाते हैं वो समय हो गया, बस भूख अपने आप शुरू हो जाती है। क्या हो रहा है? मसल मेमोरी। ये है जादू सबकॉन्शियस का, सबकॉन्शियस ऐसे काम करता है। अब आज जितना प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया है, कोई नहीं समझाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक, मैं हमेशा कहता हूँ इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये मैजिक है। आज मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक भी बता दिया ताकि आपके अंदर से सारे सवाल ही हट जाए। अगर आज तक आप सवाल कर रहे थे अपने ऊपर, ये सवाल उठा रहे थे, अरे ये सब बोलने की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, करने में नहीं होता, क्या बार बार सोचने से पूरा हो जाएगा? ऐसे होगा। क्या करना पड़ेगा? मैचिंग एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि अब आपके जो पांच स्टेप हैं उसके ऊपर आपको कैसे काम करना चाहिए। पांच स्टेप हैं वो आपको पता है कि एक एक कदम लेना है, कैसे काम करना चाहिए। सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट बोनस स्टेप, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आप में से कितने लोगों को पता है कि आपका आज का स्केड्यूल क्या है पूरे दिन का? क्या आपको पता है कि कितने, आपको कौन कौन से काम करने हैं, उसमें से कितना कितना टाइम लगेगा, इतने टाइम में मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं अगले काम पर जा पाऊंगी? शायद हाँ शायद नहीं। लेडी सबसे अच्छी होती है मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करने में एक्सपर्ट होती है।
पर हमने कभी उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं देखा ना कि हम अपने काम के लिए स्केड्यूल बना ले। आप में से कितने लोगों को पता है कि आप अगले एक हफ्ते के अंदर, चलिए आज तो 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत है कि क्या है अप्रैल का, पता है आपको क्या क्या करने वाले हो? शायद नहीं पता होगा, बहुत कम होंगे जिनको पता होगा कि अप्रैल में क्या क्या करने वाले। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने अपनी स्केड्यूलिंग नहीं की है। तो कैसे होगा कि 1 बजे, जैसे ही अगर कोई 1 बजे खाना खाने का आदी है तो 1 बजते ही जैसे खाने की भूख लग जाती है, कैसे होगा कि आपने अगर तय किया हुआ है कि 4 बजे मैं अपनी टीम को कॉल करूंगा, तो 4 बजे कॉलिंग पर अपने आप हाथ कैसे जाएगा? क्यों? क्योंकि आप हर दिन 4 बजे वो नहीं कर रहे हो। अभी 1 बजे आप हर दिन मीटिंग में आते हो, तो आदत है ना अपने आप की वो मीटिंग ज्वाइन करनी है। मैं हर दिन नहीं आता हूं तो मुझे बताना पड़ता है किसी को कि आपकी 1 बजे मीटिंग है। असल मेमोरी, राइट? मुझे उसको स्केड्यूल में लिखना पड़ता है कि 1 बजे मीटिंग है, पर आप रोज आते हो तो आपका हाथ अपने आप चलता है फोन के ऊपर, 1 बज गए, टाइम मीटिंग में जाना। ये है सबकॉन्शियस का पावर। सबकॉन्शियस माइंड है और 90% से ज्यादा पावरफुल है, ये मैं आपको शुरुआत में ही प्रूव कर चुका हूं। 1000 काम एक साथ करते हैं, इतने सारे काम अगर हम एक साथ करवाना चाहते हैं, उसमें हमारी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें बहुत स्पेसिफिक होके काम करना पड़ेगा। एक एक चीज के ऊपर हमारा पकड़ होना चाहिए। देखिए, हमारी जिंदगी हमारी पकड़ नहीं होगी तो फिर जिंदगी हम काट रहे हैं, जी रहे हैं, कटती चली जा रही है, हो रहा है जो भी हो रहा है भगवान की दया से। आपके हाथ में, लोग कहते हैं ये तो रंगमंच है, हम तो सिर्फ कठपुतली है, हमारी डोर तो उनके हाथ में। नहीं, आपके ही हाथ में है। तो अपनी जिंदगी की जो कहानी है उसको कैसे लिखना है, क्या करना है, उसको बदलना है, वो सब आपके हाथ में। अब लिखी तो जा चुकी है, बदलने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। कोई और नहीं बदल सकता। मैं आपको कितना भी समझा दूं पर मैं आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता हूं, आप खुद ही बदल सकते हैं। आपने अगर ये निर्णय कर लिया मुझे तो बदलनी ही नहीं है, आप बोलते जाओ, आप लगातार 5 दिन तक मुझे सिर्फ सुनाते ही जाओ, मुझे नहीं बदलनी जिंदगी, तो मैं नहीं बदल सकता। मेरे पास में पावर नहीं है कि मैं अपनी सांस को 5 मिनट तक रोक पाऊं, मैं आपकी जिंदगी को क्या बदलूंगा? मेरा कंट्रोल मेरे खुद के शरीर पे नहीं है, राइट? तो 5 स्टेप कंक्लूजन है। बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की कि मैं कम, हमेशा मैं बिलीव करता हूँ कम में ज्यादा, इसलिए एक रहस्य जो किताब है बहुत छोटी पर बहुत बड़ी बड़ी बातें उसमें आपको पता चल जाती है। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है, और शॉर्ट में ज्यादा का हमेशा मेरा फंडा रहता है। 5 पॉइंट और 6ठा बोनस पॉइंट एक बार हम रिपीट करते हैं और फिर मैं अपनी बात को यहीं पर एंड करूंगा। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि वो 5 पॉइंट और 6ठा बोनस पॉइंट क्या है, क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता, स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए क्या करना है। सबसे पहला, नंबर वन क्या है? विश्वास, बिलीव, वेरी गुड। नंबर टू लक्ष्य, गोल, गोल सेट करना है। कैसा सेट करना है बताइए, पूछूं मैं? बताइए आपका लक्ष्य क्या है। और 31 मार्च का आप मुझे मत बताना, मार्च क्लोजिंग से आगे की बात कर रहा हूं। बताइए अप्रैल का क्या लक्ष्य, या फिर अगर आप लंबा बताना चाहें तो लंबा भी बता सकते हैं। क्या लक्ष्य है बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या लक्ष्य है। हाँ, देखिए डायमंड स्टार पर दिक्कत यही है, मैं आपको बताता हूँ, अब आपके लक्ष्य स्पेसिफिक करवाता हूँ। डायमंड बनना है या डायमंड की इनकम चाहिए? डायमंड चाहिए या डायमंड की इनकम चाहिए? ये जैसे ही मैं सवाल करता हूं वैसे ही देखो, फिर इनकम चाहिए, डायमंड की इनकम चाहिए, डायमंड की इनकम चाहिए। कितनी कितनी है वो नंबर पता है आपको? क्या नंबर है वो? डायमंड बनना है या डायमंड की इनकम चाहिए? कितनी? 50 प्लस प्लस प्लस, 50 रुपए प्लस, 51 रुपए चलेंगे, 25 लाख, 50 लाख पर मंथ या पर एनम? एक साल का या एक महीने का, कितने टाइम का? स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हो जाइए, देखिए स्पेसिफिक जब तक नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा पूरा, स्पेसिफिक हो जाइए। तीसरा स्टेप, चलिए दो स्टेप हमने तय किए, पहला स्टेप विश्वास, दूसरा स्टेप लक्ष्य बनाना, तीसरा तीसरा सोचना यानी कि विजुअलाइजेशन करना, कल्पना में उसको बार बार लेकर आना, हर समय उसी का ख्याल रहना चाहिए। देखिए कोई प्रेमी होता है ना तो उसको ये बोलना नहीं पड़ता कि हर समय प्रेमिका का ख्याल होना चाहिए, वो बावला होकर हमेशा प्रेमिका के ख्याल में ही रहता है, तो उसकी शादी उससे होने के चांस रहते हैं। वैसे ही आपके बारे में कोई भी अगर बात करे तो सिर्फ यही बात करे सामने वाला कि ये तो सिर्फ हमेशा अपने लक्ष्य की बात करते रहते हैं, इनको तो सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। और नेक्स्ट, चलिए चौथा स्टेप, विजुअलाइजेशन के बाद प्लानिंग, क्या बात है, वेरी गुड, प्लानिंग प्लान कीजिए, स्केड्यूल बनाइए लगातार। उसके बाद में अगला स्टेप एक्शन, मैच करता हुआ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन। और लास्ट बोनस, लास्ट